सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, स्पेशल न्यूज के साथ मैं हूं पूजा। रेवाड़ी गैंग रेप मामले में आरोपी पुलिस की गिरफ्त से अब तक बाहर है। अब इस मामले में पुलिस ने आम लोगों से आरोपियों के बारे में सूचना देने की अपील की है। एसआईटी की इंचार्ज नाजनीन भसीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों से आरोपियों के बारे में सूचना देने की अपील की है और सूचना देने वाले के लिए 1,00,000 रुपए नगद इनाम देने की घोषणा भी की गई है। वहीं पुलिस ने 3 आरोपियों की तस्वीर भी जारी की है। रेवाड़ी गैंगरेप मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। एसआईटी को मेवात के एसपी नाजनीन भसीन लीड कर रहे हैं। एसआईटी चीफ ने रेवाड़ी के सिविल अस्पताल में पीड़ित लड़की से मुलाकात की, उसके बाद टीम ने घटना स्थल का भी दौरा किया। मौका है वारदात वाली जगह पर पहुंचकर टीम ने सबूत भी जुटाए। वहीं एसआईटी चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों से आरोपियों के बारे में सूचना देने की अपील की है और सुराग देने वाले को 1,00,000 रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। वी हैव मेड मल्टीपल टीम्स टू नैप देम। इस वक्त हमारी रेंज की, इस एसआईटी की, सभी एसपीज की टॉप प्रायोरिटी इज उनको नैप करना। लेट मी फिनिश। सो हमने इसके लिए आपके जरिए, एंड थैंक यू ऑल फॉर कमिंग हियर एट शॉर्ट नोटिस, आपके जरिए हम पब्लिक से अपील करते हैं कि किसी को किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन हो, कोई सुराग हो, जरूर हमसे इमीडिएटली संपर्क करके शेयर करें। नेक्स्ट हमने इसमें एक इनाम की घोषणा की है। इन लड़कों को जो पकड़वाएगा, जो सूचना देगा, जो हमारे केस को क्रैक करने में हेल्प करेगा, हम 1,00,000 रुपए का इनाम इनके सिर पे हमने की। पुलिस गैंगरेप के जिन आरोपियों की तलाश कर रही है उनके फोटो भी जारी किए गए हैं। वहीं अंबाला में डीजीपी बीएस संधू ने जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। उन्होंने लापरवाही बरतने वाले पुलिस वालों पर एक्शन लेने की बात भी कही है। रेवाड़ी के मामले में जो पीड़ित लड़की है उसके कहने से केस दर्ज हो गया है और आदमी आइडेंटिफाई हैं तीनों, और उसमें एक पंकज फौजी नाम का आदमी है जो कि राजस्थान में आर्मी यूनिट में है। उसने आज शाम को वहां रिपोर्ट करना है, वो छुट्टी पे है, तो उसके लिए वारंट जो है वो जारी करवा रहे हैं और उम्मीद है कि आज उसमें गिरफ्तारी हो जाएगी। और असल में इस प्रकरण में क्या कुछ हुआ है उसमें हम जल्द कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा अगर कोई त्रुटि पुलिस के लेवल पे हुई है तो उसके लिए हमने एडीजी रेवाड़ी को कहा है, वो इंक्वायरी करेंगे। अगर किसी कर्मचारी अधिकारी ने कोई कोताही, लापरवाही या नेग्लिजेंस किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। छात्रा के साथ दरिंदगी मामले में जिन 3 आरोपियों के फोटो जारी किए गए हैं उनके नाम पंकज, निशु और मनीष बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कवायद तेज कर दी है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ कोई आरोपी नहीं लगा। देवाड़ी से सुदर्शन पवार और श्याम माटला के साथ अंबाला से तरुण कपूर की रिपोर्ट, एमएचओ न्यूज। रेवाड़ी की सीबीएसई टॉपर छात्रा से गैंगरेप मामले में 2 दिन बाद भी पुलिस खाली हाथ है। अभी तक एक भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पीड़ित को फिर से पेट दर्द की शिकायत के बाद रेवाड़ी के सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मामले में गठित एसआईटी की चीफ नाजनीन भसीन ने रेवाड़ी के सिविल अस्पताल का दौरा किया और पीड़ित का हाल जाना। इसी दौरान पीड़ित के बयान भी दर्ज किए गए। एसपी नाजनीन भसीन ने बताया कि फिलहाल पीड़िता की हालत स्थिर है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। रेवाड़ी में 19 साल की सीबीएसई टॉपर रही छात्रा से सामूहिक बलात्कार के आरोपी वारदात के 2 दिन बाद भी फरार है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है और इस बीच हरियाणा पुलिस ने एसआईटी का भी गठन कर दिया है। एसआईटी मेवात एसपी नाजनीन भसीन के नेतृत्व में काम कर रही है। वहीं पीड़िता को फिर से पेट दर्द की शिकायत के बाद रेवाड़ी के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां विशेष डॉक्टरों की टीम पीड़िता का इलाज कर रही है। मामले में गठित एसआईटी की चीफ नाजनीन भसीन ने रेवाड़ी के सिविल अस्पताल का दौरा कर पीड़िता का हालचाल जाना और पीड़िता के बयान भी दर्ज किए।
एसपी नाजिम हसीन ने बताया कि फिलहाल पीड़िता की हालत स्थिर है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। साथ ही उन्होंने संकेत दिया कि आरोपियों के स्केच जारी किए जा सकते हैं। एसआईटी का इंचार्ज मुझे नियुक्त किया गया है। मैं अभी आज यहाँ पे विक्टिम से मिलने आई हूँ एंड आई हैव स्पोकन टू हर एंड उसमें कुछ बातें आई हैं। हमारा यही प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी ये केस ट्रेस हो जाए और मैं आप लोगों के जरिए, मीडिया के जरिए पब्लिक में ये निवेदन करती हूँ कि इन लड़कों का कोई भी सुराग किसी को लगे वो इमीडिएटली हमसे संपर्क करके हमें बताएं। मैम, आर यू आल्सो रिलीजिंग सम फोटो ऑफ बिकॉज़ दैट्स डिफिकल्ट फॉर अदर पीपल टू आइडेंटिफाई देम। यस, वी आर गोइंग टू आई एम गोइंग टू स्टडी द फाइल प्रॉपर्ली एंड द मैक्सिमम पॉसिबल इंफॉर्मेशन जो हमें मिलेगी इन पे हम आपके साथ शेयर करेंगे। मैं अभी आई हूँ, मेरे को 5-7 मिनट का टाइम दीजिए। सारे कागज स्टडी करके नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन बना के मोस्ट लाइकली हम आपको इनवाइट करेंगे फॉर अनदर प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड वी अप्रिशिएट द रोल दैट आप लोग प्ले कर रहे हैं इसमें एंड मैं चाहती हूँ कि आपके सहयोग से, पब्लिक के सहयोग से इस केस को हम बहुत जल्दी लाइक आई टोल्ड यू दैट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन बट येस द मेन अक्यूज आर आइडेंटिफाइड एंड लाइक आई टोल्ड यू दैट आर एफर्ट्स राइट नाउ आर जस्ट टू नैप देम। जैसे मैंने आपसे कहा ये सारी इन्वेस्टिगेशन की बातें हैं, धीरे धीरे हम आपको आपके साथ शेयर भी करेंगे और आपका भी सहयोग लेंगे। मेरे को थोड़ा सा और टाइम दीजिए, मैं आपको फिर से बुलाऊंगा। मैम, व्हाई वाज देयर एन इनिशियल डिले ऑन द पार्ट ऑफ द पुलिस इन एक्टिंग ऑन दिस केस? इफ द आइडेंटिटीज वर नोन, व्हाई वर द पीपल अरेस्टेड इमीडिएटली? लाइक आई टोल्ड यू, आई एम गोना लुक इनटू एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस। द मोस्ट एंड द टॉप प्रायोरिटी वाज टू मेक द विक्टिम कंफर्टेबल टू स्पीक टू हर एंड to find out what she has to say and I will be going into each and every aspect of it. She's stable, we have spoken to the doctor. वहीं पीड़िता से मिलने के बाद एसआईटी चीफ नाजिम हसीन ने एमएचएन न्यूज से बातचीत की। उन्होंने कहा कि मामले की जांच तेजी से चल रही है और जल्द ही वो मीडिया के सामने पूरे मामले का खुलासा करेंगी। मामले की जांच के लिए एसआईटी यहां पहुंची है, बात करने के लिए मौजूद है एसआईटी की जो चीफ है नाजिम हसीन, उनसे जानते हैं कि जांच जो है कहां पहुंची है और किन किन पहलुओं पर इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। अभी कुछ देर पहले सामान्य अस्पताल पहुंचे हैं और उन्होंने विक्टिम जो है इस मामले में उनसे मुलाकात की है, उनसे पूछताछ की है और पूछते हैं कि कहाँ किस स्तर पर अब तक जांच पहुंची है पुलिस की और किस किस एंगल्स के ऊपर एसआईटी जो है वो जांच कर रही है। जी, जांच शुरू की है और मैं आप लोगों के ज़रिए अपील करती हूँ पब्लिक को कि किसी को भी किसी तरह का भी सुराग हो या कोई भी इंफॉर्मेशन हो इस केस के बारे में वो इमीडिएटली हमसे संपर्क करके शेयर करें। ये एक बहुत गंभीर मामला है और बहुत जल्दी इसमें इन्वेस्टिगेशन में प्रोग्रेस हम आपको डिक्लेयर करेंगे और आपको जल्दी ही बुला के एक और लाइक आई टोल्ड यू, जस्ट गिव मी 10 मिनट्स एंड मैं आपसे फिर मिलूंगी। इस वक्त माई टॉप प्रायोरिटी वॉज टू मीट द विक्टिम। जी, ये थी नाजिम हसीन, जिनका कहना है कि इस पूरे मामले में जो अभियुक्त है, 3 अभियुक्त जिनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, उनके पुलिस जो है स्केच जारी कर सकती है। 2 दिन बाद भी गैंगरेप मामले में पुलिस के हाथ खाली हैं। पूरे देश में मामला तूल पकड़ चुका है। पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस कुएं के पास घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया वहां पहुंचकर टीम ने जांच भी की। वहीं महिला आयोग ने DGP हरियाणा को पत्र लिखकर रेवाड़ी गैंगरेप कांड की जानकारी मांगी है। रेवाड़ी से सुदर्शन के साथ श्याम बाटला की रिपोर्ट, MH1 न्यूज।